सॉरी साहिल, एक अजीब काम में फंस गया था। किसी का फोन आया था कि मेरे पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन वैसी प्रॉब्लम तो कुछ निकली नहीं। खैर छोड़ो, मैं टाइम पर वापस आ गया। लाइए स्केलपेल मुझे दे दीजिए। नर्स, बैकअप क्यों ऑन नहीं हुआ? गो एंड चेक, पेशेंट लाइफ सपोर्ट पर है, क्रिटिकल है, आप जल्दी जाइए। नर्स नर्स, क्या हुआ, सब ठीक है ना? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये दिया क्यों फड़फड़ा रहा है? हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, पर मेरी विधि पर कोई संकट आने मत देना। भगवान जी, मेरी विधि को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने पहले ही बहुत दुख दे दिया भगवान जी, पर हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की। अगर विधि को कुछ हुआ तो लोगों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान ही से पत्थर है। मेरी विधि को कुछ मत होने दीजिए। Thank God, समय पर पावर वापस आ गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर वेद। बस अब हमें दोनों के जागने का इंतजार है। वो फीटस ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। वो बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर पल रहा है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। पहला मौका मिलते ही उसमें मार डालूंगा। सच? समधन जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। माजी साहब, हमारे को तो पहले से ही पता था कि ऑपरेशन सफल हो जाएगा। मैं ना अपने कमरे में बैठ के बहुत प्रार्थना कर रही थी, जाप ही जाप करे मैंने। हाँ हाँ, क्या भाभी, वैसे कौन से मंत्र का जाप कर रही थी आप?
दिव्या वो है एक जाप जो मैंने करा है, वो सबके सामने बता सकते को नहीं, बाकी थे सियाने। वैसे मम्मी जी मैं तो सुबह से प्रेयर कर रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही हूँ। हाँ टेंशन इतनी हो रही थी कि सुबह से कुछ खाया भी नहीं। भूख तुम्हारे को भी बहुत जोर से लग रही है। मैं ना अपने आप कुछ बना लेती पर पेट से हूँ ना, तो आजकल जब मैं रसोई में जाती हूँ ना तुम्हारा ना जी घबराने लगता है, मतली से आ जावे हमारे को। दिव्या जाओ ना तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आ। ऐसे क्या देख रही मारे को, इन दिनों ऐसा होता है। माँ जी सा थे बोलो ना इसको, भूख लगती है ना। पर वो 2 महीने के बाद शुरू होता है। माजी सा थे तुम्हारे को जानते हो ना, मैं तो बचपन से ही सारा काम फास्ट फास्ट करती हूँ, तुम्हारे को ना भूख भी पहले महीने से ही लगना शुरू हो गई। दिव्या तुम्हारी मुसीबत की दिव्या, जाना हमारे लिए कुछ बना ला। सुन मारा मन ना हलवा, मिर्ची वड़ा, मेवा कचोरी और हाँ गट्टे की सब्जी खाने का कर रहा है, बना ले जा। चलो खुद ही जाकर बनाऊं। हमारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सेफ है, बस अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ। नर्स आप विधि के साथ ही रहना, हाँ मैं बस अभी आया। ओके कोमल से मिलकर आता हूँ। लास्ट मिनट वो डॉक्टर जेम्स और उसकी पूरी टीम वहां पे आ गई, हमारा प्लान पूरा नहीं हो सका। वो विधि और उसके बच्चे को मैं चाह के भी ना नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पर आपने तब कुछ क्यों नहीं किया जब वो यूट्रिन कोमल कली के अंदर लगा रहा था? अरे कैसे करता, गायनेकोलॉजिस्ट की पूरी टीम सर पे खड़ी थी वहां पे। लेकिन कब तक बचा पाएंगे? शीशा टूटेगा आज नहीं तो कल। विधि जी कैसी हो? विधि जी विधि को अभी तक होश नहीं आया और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सिर्फ विधि का ही नहीं कोमल कली का भी रिपोर्ट्स आ गए हैं। कोमल कली की बॉडी ने विधि के यूटेरस को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। सुना तुमने? पर डॉक्टर विधि को होश क्यों नहीं आया अभी तक? शायद दवाओं का असर है, जागने पर ही हम बता सकते हैं। बट डोंट वरी मिस्टर वेद, विधि के वाइटल स्ट्रांग है, जल्दी वो होश में आ जाएगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।